ओके रिकॉर्डिंग है स्टार्टेड गुड वेट अ मिनट जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट ओके चलो इज इट विजिबल व्हाइट बोर्ड से जाना जिस तो है प्लीज रिप्लाई यस इफ यू कैन सी द व्हाइट बोर्ड इज इट विजिबल व्हाइट बोर्ड ओके थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच चलो स्टूडेंट ओके राइट डाउन टॉपिक नेम इज व्हाट SCF. ओके कोणाचा माइक चालू आहे त्याने बंद करा प्लीज पूनम माइक चालू आहे का तुझा बंद कर ओके थँक्यू पूनम थँक्यू सो मच ओके नाउ गुड स्टुडंट्स हेडिंग इज व्हॉट SCF अँड LCM नो प्रॉब्लम पूनम नो प्रॉब्लम SCF अँड LCM Okay, now please attention, what is SCM students? What is SCF? Highest? Common factor. And what is LCM? Least common factor. Please note down this. What is SCF stand for? SCF is nothing but what? Highest common factor. And what is LCM students stand for, which is nothing but least common factor. Suppose now we'll start with an example. Suppose if you want to find SCF and LCM of 86. Okay. Now how to find students, what is LCF? And what is SCF and what is LCM of 8 and 6? So see, there are two methods. One, to find SCF, apan kya karto? SCF sati, let us see first, SCF ke liye hum log kya karenge? 8 and 6, right? So, 8 likh lo pehle. And what we'll do, we'll try to find SCF of these numbers with the help of what? Factors. So, factors kya hoga students? 2 into 2 into 2, yes or no? And what is 6 ka factors hoga students 2 into 3 okay ab in dono mein common kone students dekho jo common rahega aapko use ek hi bar lena hai to ye 2 aur ye 2 dono mein common hai to aapka yahan par students scf kya ho gaya 2 ho gaya clear everyone jo common hai use ek hi bar lena aur use ek hi bar likhna bhi hai so that is your become what scf of what 8 and 6 and how do we find lcm with this method sabhi ko pata hai अब 8 एंड 6 में देख लीजिए दोनों नंबर डिविजिबल बाय 2 तो पहले मैं 2 लेता हूं 2 4 जा 2 3 जा यस और नो फिर मैं 2 2 जा 4 यहां पर 3 हो गया फिर मैं 2 1 जा यहां पर 3 हो गया एंड फिर मैंने यहां पर 3 लिया ये 1 और ये 1 हो गया तो हमने क्या किया आपको जब तक 1 1 मिलेगा तब तक आपको उसको करना है तो यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा देखो
टू इंटू ये वाले सारे फैक्टर्स, टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री होगा, सो टू इंटू टू इंटू थ्री, तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स 24 इज वॉट यूर एलसीएम। क्लियर सबको ये? तो हमने क्या किया, उसको जो नंबर दोनों में कॉमन है उससे आपको डिवाइड करना है टिल यू गेट व्हाट, जब तक आप 1 तक उसे ले जाना है। एंड यहां पर जो आपको नंबर्स मिलेंगे, इन सब के नंबर्स का आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एलसीएम। और आप जब फैक्टर्स निकालोगे एचसीएफ का फैक्टर्स, जो दोनों में कॉमन रहेगा उसे आपको एक बार लिखना है, ये ध्यान रख, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes. अब मैं आपको यहां पर देखो और एक देता हूं, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 18 का, मुझे बताइए। एक मिनट, 12, 15, 18 का, यस, टेल मी क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स, आई वांट एचसीएफ एंड एलसीएफ। अब SCF आप एंड LCM हम दोनों अलग अलग मेथड से फाइंड कर रहे हैं, बट हमें नेक्स्ट ये क्वेश्चन में आपको ये वाले मेथड से दोनों दिखा दूंगा कि SCF एंड LCM, फिर आपको ये वाला मेथड यूज नहीं करना एवरी टाइम टू फाइंड SCF। नाउ टेल मी व्हाट इज SCF गोइंग टू बी स्टूडेंट, फास्ट, 12, 15, 18 का SCF क्या होगा, व्हाट इज, व्हाट डू मीन बाय SCF, जो तीनों में फैक्टर्स कॉमन रहेगा उसे हमें एक बार लिखना है। यस, भाग्यश्री ने बोला तीन आंसर होगा, वेरी गुड भाग्यश्री। एंड व्हाट अबाउट LCM? चलो, नाउ सी यहां पर स्टूडेंट्स, देखो एज वी नो हाउ टू फाइंड एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स मेथड्स, राइट? सो पहले हम लोग फैक्टर्स लेते हैं, अगर एचसीएफ पहले हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 12 का फैक्टर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हाट, 12 का फैक्टर्स हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, तो ये होगा आपका 12, 15 का फैक्टर्स क्या होगा 3 इंटू 5, एंड व्हाट डू मीन बाय 18 फैक्टर्स वुड बी व्हाट, 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा, यस। एंड वॉट इज कॉमन, आप देखो इनमें सब में कॉमन कौन है स्टूडेंट्स, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, तो इट मीन्स वॉट इज एचसीएफ हो गया स्टूडेंट्स, 3 हो गया, क्लियर, जिसको हमें एक ही बार लिखना है। और इसी का आप एलसीएम कैसे निकालोगे, सेम वे मेथड, 12, 15, 18। अब मैं आपको बता देता हूं, देखो क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड आप एचसीएफ कैसे निकालोगे, ये देख लीजिए, मतलब आपको एवरी टाइम ये वाला मेथड यूज नहीं करना है। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, यहां पर देखो 12 है, यहां पर 15 है और यहां पर 18 है, अब जैसे आपको नंबर दिखता है तो मुझे बताइए इन तीनों नंबर को कौन से नंबर से डिवाइड होगा, भाग्यश्री, सिद्धि, पूनम, विच नंबर, यस सिद्धि ने बोला एग्जैक्टली, क्लियर एवरीवन, पूनम, भाग्यश्री, सिद्धि, सबको क्लियर हो गया ये, 12, 15 एंड 18, ये तीनों नंबर को 3 से इजीली डिवाइड होगा, तो ये आपका 3 हो गया,
अब देखो, अब मैंने थ्री से डिवाइड किया तो थ्री फोर जा, थ्री फाइव जा एंड थ्री सिक्स हो गया। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब ये जो सेकेंड आपको रो मिला है जिसमें फोर है, फाइव है एंड सिक्स, अब इसमें एक भी नंबर कॉमन नहीं है। ये दो से होगा तो ये दो से नहीं होगा, मतलब ये दो से हो जाएगा। ये अगर तीन से होगा तो ये दोनों दो से नहीं होंगे। इट मीन्स इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स यही आपका क्या हो गया, यही थ्री आपका क्या हो गया, एस सी एफ हो गया, जो सब में कॉमन है। क्लियर हो गया? तो आपको ये वाला मेथड करना ही नहीं है। आप आगे अभी एलसीएम के लिए क्या करोगे, फिर दो से डिवाइड करो, टू टू जा फाइव हो गया, टू थ्री जा यस, आप डायरेक्टली एलसीएम लिख सकते हो। अब देखो आगे वाले जो नंबर्स है वो कोई भी डिवाइड नहीं हो रहे, तो सारों को पकड़ लो। थ्री इंटू टू, ये थ्री इंटू टू, ये टू, यहां पर टू था ना, ये टू, टू इंटू फाइव इंटू थ्री पकड़ो, देखो कितना होगा। फाइव थ्री था फिफ्टीन, फिफ्टीन टू था थर्टी, थर्टी इंटू टू सिक्सटी, सिक्सटी इंटू थ्री वन एटी। यस राइट डाउन, ये आपका होगा एलसीएम। क्लियर हो गया एवरीवन? दिस इज दिस क्लियर? चलो ग्रेट। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, अभी आप लोग ट्राई करो। चलो टेल मी एस सी एफ फाइंड एस सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 84, 90 and 120. Find SCF and LCM of 84, 90 and 120. Karo fast. With the help of only one method karo. Don't try both methods. Okay, students, what is SCF going to be? देखो 84, 90 and 120 हम लोग ये method apply करने वाले, दोनों find करने के लिए। Okay, चलो भाग्यश्री ने कहा 6 होगा, let us check करते हैं। 84, 90 and 120 which is easily divisible by, पहले आप देख लीजिए 2 से divide होगा तो पहले 2 देख लीजिए, because दोनों में 2 common है, तो यहाँ पर हो जाएगा students 42, यहाँ पर हो जाएगा 45 और यहां पर हो जाएगा 60। यहां तो सब क्लियर हो गया। अब जो सेकेंड रो में जो आपको नंबर्स मिले हैं स्टूडेंट्स, वो देखिए उनमें कुछ कॉमन है क्या? यस, उनमें देखो 3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 14, 3 का 42, देन 15, 3 का 45 और 20, 3 का 60। यस, अब व्हाट इज नेक्स्ट? अब देख लीजिए कि ये जो थर्ड रो मिला है आपको, इसमें कोई कॉमन है क्या? 14 डिवाइड बाय 2 होगा तो ये डिवाइड बाय 3 होगा, तो मतलब ये एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो आपका एस सी एफ क्या होगा स्टूडेंट्स? व्हाट इज योर एस सी एफ? ये वाले दो नंबर क्या होगा? 2 इंटू 3, ये कितना हो गया? 6। क्लियर एवरीवन? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही मेथड से हम दोनों फाइंड कर रहे हैं। आगे इसको कंटिन्यू करोगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? आप जब इसे आगे कंटिन्यू करोगे, सपोज इफ आई डिवाइड बाय 5, ये 14 as it is only,
ये होगा 5 3 जा और ये होगा 5 4 जा. क्लियर एवरीवन? नाउ गो फॉर डिवाइड बाय 2. 2 7 जा, 3 and 2 2 जा. अब देखो ये सारे प्राइम नंबर्स मिले, तो अभी आप उसको आगे एक तक ले जाके मतलब नहीं है, तो आपको खाली मल्टीप्लाई करना है. एलसीएम 2 into 3, 3 into 5, 5 into 2. सो 2 into 3 into 5 into 2 और यहाँ के 7 into 3 into 2, ये सारे नंबर 7 into 3 into 2. क्लियर दिस एवरीवन? तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 2520. राइट डाउन दिस. क्लियर ना? देखो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 into 2 60, 60 into 7 420, 420 into 3 2 जा 6. ये आपका 252. This way you can find. Clear everyone this? So in one method, with the help of only one method, what we are doing, we are trying to get answer for both LCF and SCF. Hope this clear everyone. जो दो जो नंबर्स में कॉमन है वही आपका एससीएफ होगा. तो ये लिख लिया आप लोगों ने. नेक्स्ट ट्राई करो. नेक्स्ट ट्राई करो. फाइंड एससीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60, 32, 48 and 64. चलो टेल मी फास्ट, व्हाट इज एससीएफ एंड एलसीएम? What will come? Now see, 60, 32, 48 and 64, right? Yes. आप मुझे बताइए. Okay, now Yogesh, tell me, 60, 32, 48 and 64 में क्या क्या कॉमन है? पहले किससे डिवाइड होगा? You can easily see, इसमें 4 is the common. तो 4, 15 is 48 जा, यहां पर 12 होगा और यहां पर 16 होगा. क्लियर? मतलब ये 60, 32, 48 एंड 64 विच इज इजीली डिविजिबल बाय 4, मतलब इन चारों में 4 इज अ कॉमन. अब जब को सेकेंड रो मिला है उसमें देखो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं मिलेगा, बिकॉज ये ऑड नंबर है और बाकी सारे इवन नंबर है. तो इट मीन्स आपका एससीएफ क्या हो गया? 4. क्लियर एवरीवन? योगेश क्लियर दिस? Yes, अभी आगे आप डिवाइड करो. अभी एलसीएम निकालो. कैसे करोगे? 4 15 ये होगा, 4 2 जा, 4 3 जा, 4 4 जा 16. नाउ यू कैन डिवाइड बाय 2. 15 जा, 2 1 जा, 3 जा, 2 2 जा. नाउ यू कैन डिवाइड बाय 3 इफ यू वांट. 3 5 जा. अब आगे तो नो नीड टू डू. तो आपका एलसीएम क्या होगा? देखो यहां पर 4 4 जा 16, राइट? 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, ओके 32 इंटू 3 96, इंटू 5 इंटू 10 कितना होगा? 960. राइट डाउन दिस.
तो एक ही मेथड में हमने स्टूडेंट दोनों चीजें देख ली, हमने एचसीएफ भी कैसे फाइंड करना है और एलसीएम भी कैसे निकालना, हमने दोनों देख लिया। यहां तक सबको क्लियर हो गया ये? हाँ ग्रेट। अब हम देखते हैं कि अगर सपोज अगर पॉइंट्स में अगर आपको किसी नंबर का एक एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट्स में। तो फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 0.6, 9.6 एंड 0.36 कैसे करोगे स्टूडेंट, अभी ये मुझे बताइए। ओके सी, अब नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स, देखो मैं भी आपको एक उसका एक हिंट दे देता हूं। मुझे बताइए स्टूडेंट्स आफ्टर पॉइंट यहां पर कितने डिजिट है? टेल मी एग्जैक्टली। योगेश सेड ऑब्वियसली एवरीवन सेड कि आफ्टर पॉइंट देयर आर टू डिजिट्स, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर आफ्टर पॉइंट यहां पर टू डिजिट है तो सारे नंबर में पॉइंट के बाद टू डिजिट होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर 0.6 है, आई विल ऐड 0 हियर, तो ये हो जाएगा 0.60, तो आफ्टर पॉइंट टू डिजिट्स हो गए। अब यहां पर भी देखो 9.6 है, तो 9.60 कर दूंगा बिकॉज मुझे आफ्टर पॉइंट दो डिजिट चाहिए, और ये ऐसे ही रहेगा 0.36। ये सबको क्लियर हो गया? यस कर दो यस और नो। यस मतलब हमने क्या किया, जो नंबर बड़ा है आफ्टर पॉइंट जितने ज्यादा डिजिट रहेंगे वो सब में ऐड कर देंगे और हमें इक्वल करना है। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को रिमूव कर दो, तो ये बचा 60, ये बचा 960 और ये बचा 36। क्लियर एवरीवन? हमने क्या किया, पॉइंट को उसकी जगह से हटा दिया, तो ये 60, 960, 36, यहां ये सबको क्लियर हो गया? यस और नो? व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट रिमूव द पॉइंट। ओके, अब हमारा ओरिजिनल पोजिशन हो गया। अब करो इसको डिवाइड, पहले फाइंड करो एस सी एफ। मुझे बोलो एचसीएफ क्या होगा, सब में कॉमन क्या है स्टूडेंट, सब में कॉमन अगर आप देखोगे तो 6 तो सब में ही कॉमन है, तो 6 10 यहां पर 160 और यहां पर 6 6। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस ओके। अब सेकेंड रो में देखो क्या कॉमन है, सेकेंड किससे डिवाइड होगा बोलो फास्ट, सारे इवन नंबर है मतलब 2 से डिवाइड होगा, तो 2 5 ये 80 हो गया और ये 3 हो गया। अब थर्ड वाला रो देखो, उसमें कुछ कॉमन है क्या, ऑब्वियसली नहीं होगा बिकॉज ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, तो कॉमन तो कुछ बनेगा ही नहीं, तो एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 × 2 कितना हो गया 12। Is this clear everyone? लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान में रखना है मेरा 12 एचसीएफ नहीं होगा बिकॉज माय ओरिजिनल नंबर पॉइंट में है, तो पॉइंट में है इसका मतलब क्या होगा कि आप देख लीजिए यहां पर आफ्टर पॉइंट कितने डिजिट है, टू डिजिट, तो मुझे भी पॉइंट के बाद टू डिजिट चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.12। यस ये क्लियर हो गया आप लोगों को, तो ये हो गया आपका एचसीएफ। क्लियर एवरीवन दिस? अभी आगे डिवाइड करोगे तो अगर 5 से डिवाइड करोगे तो जाएगा 5 × 5 ये हो गया 16 और ये हो गया 3। इतना ही छोड़ दो, आगे मत करो, तो एलसीएम क्या होगा 6 × 2 × 5 × 16 × 3। 1 तो मैं नहीं लूंगा बिकॉज 1 लेके मतलब नहीं, वही नंबर मिलेगा आपको। अब जब इनका मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो ये देख लीजिए 16 5 80 80 × 3 12
240 into 480, 480 into 6, ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स 2880. आफ्टर पॉइंट टू डिजिट चाहिए, मतलब ये पॉइंट आपका यहां पर आ जाएगा 28.80. राइट डाउन दिस. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो अगर डेसिमल का अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने को आता है स्टूडेंट, सो दिस वे यू कुड फाइंड. क्लियर एवरीवन दिस? ओके ग्रेट. चलो टेक वन मोर क्वेश्चन. अभी आप लोग ये ट्राई करो, फाइंड ऑफ 3, 1.2 एंड 0.06. ट्राई करो, ये कैसे करोगे? Find HCF and LCM of 3, 1.2, 0.06. अपना रूल क्या है स्टूडेंट्स? पहले ये देख लीजिए कि आफ्टर पॉइंट मैक्सिमम डिजिट कितना है, तो आफ्टर पॉइंट टू डिजिट है, तो ये तो मेरा 0.06 ही रहेगा, लेकिन ये कितना होगा 1.20 होगा, और ये कितना होगा 3.00, बिकॉज आफ्टर पॉइंट टू डिजिट चाहिए ही चाहिए. ये सबको क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज ठोक दो यस करके अगर क्लियर है तो. Yes. अब हम क्या करेंगे, व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? रिमूव द पॉइंट. अगर मैं इसमें से पॉइंट मिटा देता तो बचेगा 300, ये बचेगा 120 और ये बचेगा 6 ओनली. क्लियर हो गया एवरीवन दिस? अब इसका एलसीएम निकालो. पहले ट्राई टू फाइंड एचसीएफ जो तीनों में कॉमन होगा. अब बोलो तीनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स? देखो ये जो नंबर है 300, 120 और 6, ये तीन से डिवाइड होता है, तो पहले मैं 3 लिख लेता हूं, 100 हो गया. यस, ये होगा 40 और ये होगा 2. यस और नो? उसके बाद मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, अगेन मैं देख लूंगा, फिर देखो ये 2 से डिवाइड होता है क्या. यस, 250 देन 20 और देन 1. अगेन देखो 10 कॉमन है, 10 5 का 10 20 और ये 1 होगा. तो देख लीजिए स्टूडेंट फाइनली आपको क्या मिला अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे. सो आपका जो एचसीएफ आया है, एचसीएफ ये 3 × 2 × 10, जो पूनम ने बोला 3 × 2 × 10, ये हो गया 60. लेकिन आप सबको पता है कि आपका आंसर 60 तो नहीं होगा, बिकॉज आफ्टर पॉइंट यहां पर दो डिजिट है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहां इसके आगे पॉइंट लगा दूंगा, तो पॉइंट के बाद टू डिजिट चाहिए, तो आपका आंसर हो गया 0.60. इज दिस क्लियर पूनम? ओके. और इसका एलसीएम कैसे निकालोगे? ये तो आपको 60 मिला ही था, इंटू ये 5 × 10 करो, तो ये हो गया 600. राइट एवरीवन? लेकिन आपको पता है कि आंसर 600 नहीं होगा, बिकॉज आफ्टर पॉइंट दो डिजिट चाहिए, तो मैं ये दो डिजिट छोड़ के इधर पॉइंट लगा देता हूं, तो एक्चुअली आंसर क्या हो गया 6. राइट डाउन दिस, बिकॉज 6.00 मतलब 6 ही होगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट?
Yes, Yogesh, clear this? नेक्स्ट तीसरा कॉन्सेप्ट देखो, एससीएफ एंड एलसीएम आर फ्रैक्शंस. राइट डाउन दिस, इस पे आपको क्वेश्चन आता है कभी एग्जाम में, एससीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस. अगर आपको एलसीएम निकालना है फ्रैक्शंस का, एलसीएम तो क्या फॉर्मूला है, LCM of numerator divide by HCF of denominator. ये ध्यान में रख लीजिए. योर HCF आपको निकालना है, तो HCF of numerator डिवाइड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. राइट डाउन दिस फॉर्मूला. अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालना है, तो उसके न्यूमरेटर का एलसीएम निकालो एंड उसके डिनोमिनेटर का एफसीएफ निकालना है. प्लीज डू रिमेंबर, अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन का एफसीएफ निकालना है स्टूडेंट, तो आप लोग क्या करोगे, न्यूमरेटर का एफसीएफ निकालोगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालोगे. प्लीज डू रिमेंबर दिस. आपके अगर क्वेश्चन नंबर एक दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर वन देखो, जहां पर आपको एस सी एफ एंड एलसीएम निकालना है ये वाले फ्रैक्शंस का, 12/35, 8/7, 16/21 एंड 4/7, इसका आपको स्टूडेंट्स निकालना है एलसीएम निकालना है. कैसे निकालोगे इसका एलसीएम बोलो. ये फ्रैक्शंस का आपको एलसीएम, तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर में कौन है, 12, 8, 16 एंड 4, इनका एलसीएम एंड एससीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो एससीएफ ऑफ 35, 7, 21 एंड 7. राइट, तो नाउ टेल मी, एलसीएम निकालने के लिए 12, 8, 16, 4 एग्जैक्टली. अब ये नंबर से कौन से नंबर को डिवाइड होगा स्टूडेंट्स बताइए, कॉमन नंबर क्या होगा जो इन सारों से डिवाइड होगा, तो आई थिंक सो 48 होना चाहिए. 48 देखो, 48 12 का ना, 12, 8, 16 एंड 4. एलसीएम पूनम 6 नहीं होगा, आपको एलसीएम निकालना है. एलसीएम हमेशा पूनम याद रखना है कि आपका जो एलसीएम आएगा वो कभी भी इन नंबर से छोटा नहीं होना चाहिए, वो बड़ा ही होगा. क्लियर पूनम, तो आपका 6 आया है वो छोटा हो जाएगा उन सबसे. तो देखो मैं बता रहता हूं कैसे करोगे, आप 2 से पहले डिवाइड करो. यस, भाग्यश्री ने सही बोला, 48 होगा, 2 से डिवाइड करो. 2, एक तो 2 6 जा 2 4 जा 2 8 जा 2 2 जा, करेक्ट एवरीवन. अगेन 2 से करो, 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा, अगेन 2 से करो, 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा. क्लियर एवरीवन, अब देख लीजिए, अब एलसीएम देखो, 2 into 2 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 2 जा 48, तो ऊपर 48 आया. पूनम क्लियर दिस, यस. आपको नीचे वाले नंबर का एससीएफ, तो मैंने क्या बताया था एससीएफ कैसे निकालोगे, उसका फैक्टर्स निकालो, 7 5 7 का फैक्टर 7 1 जा, 21 का फैक्टर 7 3 जा एंड अगेन 7 का फैक्टर 7 1 जा. तो व्हाट डू मीन बाय एससीएफ, जो चारों में कॉमन होगा उसे एक बार लिखो. तो चारों में कॉमन कौन है स्टूडेंट, 7, तो यहां पर आपका आ गया 7.
ये आपका हो गया एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन 48/7। क्लियर एवरीवन दिस? तो अगर ऐसा वाला क्वेश्चन स्टूडेंट अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको ये सारी चीजें बेसिक पता होनी चाहिए जो हमने ऑलरेडी सीखी है। क्लियर दिस? योगेश? चलो ग्रेट। चलो नेक्स्ट देख लीजिए। नाउ यू ट्राई टू फाइंड दिस। क्वेश्चन टू, फाइंड एलसीएम ऑफ 24/17, 32/7 एंड 48/13। ओके, ये आपको एलसीएम निकालना है। एंड क्वेश्चन थ्री देख लीजिए, फाइंड एचसीएफ ऑफ 3/4, 6/25, 12/35 एंड 3/5। ओके, ट्राई करो ये फास्ट। ऊपर वाले फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालना है, नीचे वाले फ्रैक्शन का आपको एचसीएफ निकालना है। क्या होगा बोलो मुझे? क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स? यहां पर एलसीएम अगर आपको फ्रैक्शन का निकालना है तो एलसीएम ऑफ पहले निकालोगे न्यूमरेटर 24, 32, 48 एंड डिवाइड क्या होगा एचसीएफ ऑफ 17, 7 एंड 13। करेक्ट एवरीवन? तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट 24, 32 एंड 48 का क्या होगा एलसीएम? क्या हो सकता है डिवाइड में अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों को पता है 4 से डिवाइड होगा, 4 6 24, 4 8 4 2 12 हो गया। अगेन इफ यू डिवाइड बाय 2 2 3 2 4, या आप 4 से भी डिवाइड करोगे दैट वुड डू। यस भाग्यश्री, 4 से डिवाइड करो, ये 6 मैंने ऐसे लिख दिया, 4 2 and 4 3। अगेन इफ यू डिवाइड बाय 2 या 3 से करो, 3 2 2 3 1 3। एंड 2 से करो, सो 2 1 और यहां पर सब जगह बन गया। तो आप देखो 4 4 16, 16 3 48, 48 2 96 हो गया। क्लियर एवरीवन? ओके, ये हमने निकाला एलसीएम। HCF क्या करोगे देखो स्टूडेंट, आप यहां पर दिखा देता हूं, ये 17 1 17 फैक्टर्स निकालो, ये हो गया 7 1 7, जो सारे प्राइम नंबर्स है, 13 1 13। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, किसी भी प्राइम नंबर्स के HCF हमेशा क्या होगा 1 होगा। देखो सब में कॉमन कौन है 1, उसे एक बार लिख दो। तो ये आपका हो गया HCF। ये क्लियर हो गया एवरीवन? ग्रेट। अब ये वाला मुझे बताइए, इसका एचसीएफ निकालो।
क्या फॉर्मूला है एचसीएफ का? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में कौन है? 3, 6, 12 एंड 3. यस ओके. एंड व्हाट इज एलसीएम ऑफ 4, 25, 35 एंड 5? पहले हम लोग एचसीएफ देखते हैं. अगर मैं एचसीएफ देखूंगा तो नॉर्मल मेथड क्या है? एचसीएफ का 3, 3 इंटू 1, 6 का 3 इंटू 2, 12 का 3 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 का 3 इंटू 1. तो देखो स्टूडेंट्स, जिन्होंने भी 6 बोला वो गलत है. उसका रीजन क्या है? अगर आपने फैक्टर्स निकाले तो देखो सब जगह 3, 3, 3 एंड 3 यही कॉमन है, बाकी कहाँ कॉमन कुछ है. तो इसका मतलब स्टूडेंट जो कॉमन है उसे एक बार लिखो. तो ये 3 उसका एचसीएफ हो गया. क्लियर सिद्धि एंड पूनम? 6 एचसीएफ नहीं होगा. एचसीएफ का मतलब होता है वो सारे में कॉमन होना चाहिए. तो अगर आपने 3 तो लिया लेकिन 2 तो खाली इन दो ही जगह पर कॉमन है, यहां पर 2 कहां पर है? सो व्हाट इज कॉमन इन एवरी फैक्टर्स इन एवरी नंबर? द 3 इज कॉमन. तो आपका आंसर क्या होगा? 3 एचसीएफ होगा. क्लियर एवरीवन दिस? ओके. अब आपको इनका निकालना है एलसीएम. एलसीएम के लिए आप लोग क्या करोगे? सेम 4, 25, 35 एंड 5 ले लो और इसको करते जाओ. ऑब्वियसली 5 से डिवाइड होगा, ये 4 ऐसे ही होगा. 5 5 जा 5 7 जा, अगेन 5 5 जा, अगेन 5 से करो, ये 4 ऐसे ही होगा. 5 1 जा, ये 7 5 1 जा. अब डायरेक्टली क्या होगा? 7 4 जा 28 इंटू 25 होगा. 25 8 जा 200, 20 कैरी 70, 700. वेरी गुड भाग्यश्री. तो ये हो गया 700. राइट डाउन दिस. तो आपका आंसर हो गया 3/700. क्लियर दिस एवरीवन? सो यू मस्ट बी वेरी गुड एट व्हाट व्हाइल फाइंडिंग व्हाट एचसीएफ एंड एलसीएम विद द एनी मेथड जो आपको अच्छा लगेगा. ओके. आपको मैं और एक मेथड दिखा देता हूं एलसीएम फाइंड करने के लिए. ये लिख लिया आप लोगों ने स्टूडेंट? अब देख लीजिए ये वाला. अब इसमें देखो ये वाला नंबर देख लीजिए स्टूडेंट्स. 24, 24, 32 और 48. यस. और इसका मुझे पता है आंसर क्या आया था. एलसीएम आया था 96 आई सपोज, राइट? आई गेस 96 था. देखो अब ऐसे वाले नंबर में अगर आपको एलसीएम तुरंत निकालना है तो डोंट डू लाइक दिस. आपको क्या करना है? अब मुझे बताइए इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है स्टूडेंट? टेल मी फास्ट, विच नंबर इज ग्रेटर अमंग थ्री? फोर्टी एट एग्जैक्टली. अब ये नंबर को कंसिडर करते हुए पहले आपको ये चेक करना है कि 48 को 24 से डिवाइड हो रहा है क्या? यस, कंप्लीट हो रहा है. 48 को रिमेनिंग 32 से हो रहा है क्या? तो नहीं हो रहा. देखो तो 48 आपका एलसीएम नहीं होगा. आपको क्या करना है? 48 का डबल कर दो, बड़े नंबर का डबल करो. टेल मी 48 का डबल क्या होगा? दिस कैन बी डन ओरली. वेरी गुड, 96 हो गया. यहां पर लिख दो. अब आपको क्या चेक करना है स्टूडेंट्स कि ये जो आपने निकाला है 96, ये 96 को ये तीनों नंबर से डिवाइड होता है क्या? देखो तो 96 डिवाइड 24, यस डिविजिबल. 96 डिवाइड 32, यस डिविजिबल. एंड 96 डिवाइड 48, ऑल्सो डिविजिबल. इट मीन्स वॉट? 24, 32, 48 से 96 को इजिली डिविजिबल होता है. मतलब आपका एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स? 96. क्लियर हो गया आप लोगों को ये? आप ऐसे भी कर सकते हो. चलो कुछ अभी थ्योरी वाले क्वेश्चन देखते हैं.
Wait a minute. Yes. Visible everyone? चलो ये वाला ट्राई करो. फाइंड फाइंड द लिस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 and 27. करो फास्ट. आपको लिस्ट नंबर निकालना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल रहेगा बाय 12, 15, 20 and 27. लिस्ट नंबर मतलब क्या निकालना है स्टूडेंट? आपको निकालना है उन सारे नंबर का एलसीएम. उन सारे नंबर आपको क्या निकालना है स्टूडेंट? एलसीएम निकालना है. क्या होगा बोलो, कैसे निकालोगे एलसीएम? व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट नंबर? दैट इज एलसीएम. ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जो इन सबसे डिवाइड होगा. तो 12, 15, 20 and 27 करो फटाफट. क्या होगा मुझे बताइए. पहले 3 से करो. 3 4 3 5 20 as it is 3 9. यस और नो? देन आप डिवाइड करो 4 से. 4 1 5 सही आया. 4 5 9 ऐसे ही आया. फिर आप डिवाइड करो 5 से जो कॉमन है. 5 1 5 1 5 1 9 आ गया. अब आपका एलसीएम क्या होगा? दैट इज लिस्ट नंबर. 3 × 4 × 5 × 9 हो गया. ये 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है. सो 9 5 45 45 × 4 180. सो 3 × 180 स्टूडेंट्स कितना होगा? 540. है क्या 540 ऑप्शन में? यस. वेरी गुड. राइट डाउन दिस. इज दिस क्लियर एवरीवन? सो दिस वे आल्सो दे आस्क यू क्वेश्चन. 540 इज व्हाट? लिस्ट नंबर. अब मुझे इसी का एससीएफ बताओ फास्ट. क्या होगा एससीएफ? यस. वेरी गुड. देखो भाग्यश्री ने सही बोला. रीजन इज दैट देखो अब मैं आपको ये हाँ जैसे अगर इसका आपको एस सी एफ निकालना स्टूडेंट तो देखो यहाँ पर 12 था तो 12 का हो जाएगा 12 × 1. 15 का हो जाएगा 15 × 1. 20 का हो जाएगा 20 × 1. और 27 का हो जाएगा 27 × 1. राइट? बिकॉज ये एक दो ये दोनों इवन है और ये दोनों ऑड नंबर है तो ऑब्वियसली इनमें कॉमन कुछ नहीं मिलेगा. एक ही चीज कॉमन मिलेगी जो मिलेगा 1. क्लियर? तो ये होगा उसका एस सी एफ. ओके नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड वाला ट्राई करो. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657 एंड 2037 लीव्स रिमाइंडर 6 and 5 रिस्पेक्टिवली. मतलब ग्रेटेस्ट नंबर आपको एक्चुअली मतलब क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? आपको निकालना है एचसीएफ. ये हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर मतलब होता है एचसीएफ. लिस्ट नंबर मतलब होगा एलसीएम. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657 एंड 2037. मतलब ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है जिससे अगर आपने 1657 एंड 2037 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 6 and 5. तो वो नंबर कौन सा होगा स्टूडेंट्स? तो पहले आपको रिक्वायर्ड नंबर निकालना है. देखो कैसे निकालोगे. रिक्वायर्ड नंबर एचसीएफ ऑफ 1657 में से ये वाला रिमाइंडर माइनस कर दो एंड 2037 में से जो ये वाला रिमाइंडर माइनस कर दो. आपको एग्जैक्ट नंबर मिलेगा. तो आपको एचसीएफ ऑफ 1651 एंड 2032 इनका निकालना है. 2032 ये ध्यान में रख लीजिए. अब कैसे निकालोगे प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट. जो अगर आपको इनका एचसीएफ निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, ये जो 2032 आया है उसको डिवाइड करो 1651 से. तो यहां पर देखो 1 आएगा, 1651 ही आएगा. ये आप
सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यहां पर मिलेगा 381। ओके 381, आपको ये करते जाना जब तक आपको जीरो नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर 381 आया, आप यहां पर ले लोगे 1651, 381, 1651, ये यहां पर आ गया। आप 381 इंटू 4 करोगे, 4 1 4, 8 4 32, 3 आया, 15 आया। तो ये हो गया 4 यहां पर आया और यहां पर आया 1524। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स 127। अगेन आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, ये 381 को फिर यहां पर ले लोगे। सो 127 3 देखो 127 इंटू 3 करो, 7 3 21 बार 30, देखो 381 आया, मतलब यहां पर आपको मिल गया जीरो। रिमाइंडर कितना मिला, जीरो। लेकिन कब मिला, कब आपने किससे डिवाइड करने के बाद मिला स्टूडेंट्स, 127 से। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर हो गया 127। राइट डाउन दिस, क्लियर। ये तो एक क्वेश्चन को ध्यान में रख लीजिए, अगर वो रिमाइंडर छोड़ रहा है तो उन रिमाइंडर को माइनस करके आपका जो एससीएफ आएगा वो परफेक्ट नंबर आपको निकालना है। तो आप लोग क्या करोगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते रहना है टिल यू गेट व्हाट, 00। इज दिस क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। थर्ड वाला ट्राई करो, थर्ड वाला, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 18 एंड 27। आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है 4 डिजिट्स। ओके पहले मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, हु विल टेल मी लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। सो मुझे पहले बताइए कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट 4 डिजिट्स, एनीवन हु कैन टेल मी विच इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर स्टूडेंट? यस वेरी गुड। सो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा 9999 विच ऑन डिवाइडिंग By this, तो आप obviously सबसे individual तो डिवाइड नहीं करोगे, तो पहले आपको इनका LCM निकालना होगा, LCM of 12, 15, 18 and 27। अगर आप अपने method से निकालोगे जो मैंने पढ़ाया था 12, 15, 18, तो ये आपको मिलेगा students 540। ये आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हो, 540 आया। अब आपको करना क्या है कि आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इन चारों से डिवाइड होगा। तो मैं क्या करूंगा, 9999 डिवाइड बाय करूंगा 540। क्लियर दिस एवरीवन? तो आप ये अगर डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स, ओके, तो आपको देखो रिमाइंडर क्या मिलेगा, ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। 540 इंटू 2 करोगे तो आपको मिलेगा 1080, वो यूज नहीं होगा, तो 540 होगा। Yes or no? 9 नीचे आया, ये 5 नीचे आ गया और ये 4 नीचे आ गया। क्लियर दिस? यस। अभी सपोज अगर आप लोगों ने ये 9 को नीचे ले लिया, लेट अस सी, इसको ले लो, तो 4599 हो गया। तो लेट अस सी 540 इनटू 8 कितना होता है, दैट वुड बी 4320। तो देखो 8 करके 4320 होगा। लेट्स डिवाइड करो 9, 7 और यहां पर 2 और ये 0 आ गया।
तो स्टूडेंट्स आपका रिमाइंडर कितना आया, देखो रिमाइंडर कितना आया, ये आपका हो गया रिमाइंडर 279। ओके, इट मींस व्हाट स्टूडेंट्स, इट मींस व्हाट कि ये 999 को अगर मुझे 540 से एग्जैक्ट डिवाइड करना है तो मुझे 279 को माइनस करना पड़ेगा, यस और नो? अब कॉमन कॉमन चीज देख लीजिए स्टूडेंट्स, नाउ यहां पर देख लीजिए, मेरे पास ये 7 है और मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं, देखो तो 2 3 का कितना आया 6, मतलब रिमाइंडर 1 आया। इट मींस व्हाट कि ये 7 में ये एक नंबर ज्यादा है, तो मैं समझो अगर मुझे 2 से अगर 1 डिजिट एग्जैक्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये 7 में से एक माइनस कर दूंगा, तो 7 में से मैंने जब एक माइनस किया तो मुझे एग्जैक्टली नंबर मिलेगा जो क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। इज दिस क्लियर? तो सेम स्टूडेंट्स, 999 ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है लेकिन ये लार्जेस्ट 4 डिजिट है, आपको क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है 4 डिजिट जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो इट मींस व्हाट, एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर स्टूडेंट्स 999 में से मैंने 279 को माइनस कर देना, यस वेरी गुड, तो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स एग्जैक्ट दैट इज 9720। राइट डाउन दिस फास्ट, होप दिस क्लियर एवरीवन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार स्टूडेंट्स एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चन हमने एग्जाम वाले ही लिए हैं। पूनम दिस क्लियर? चलो ग्रेट, ये आप ओके फाइंड एफसीएफ करो फटाफट। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, घर पे करो, ये मैंने अभी पढ़ा है आप लोगों को, यू कैन ट्राई दिस एट होम। चलो लिख लिया क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई करो घर पे, इसमें आपको दोनों निकालना है, एफसीएफ एंड एलसीएफ फ्रैक्शन निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आईएमपी होता है, बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर दिस, ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें फ्रैक्शन का आपको निकालना हो। नंबर 5 लिखो अभी, 5 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 5। The SCF of two number is 11, the SCF of दो number का SCF 11 है, and their LCM is 693. If one of the number is 77, find the other number, ये पूछा है। अब यहाँ पर एक formula apply करना है students, वो formula लिख लीजिए, SCF into LCM, which is equal to first number into second number. ये ध्यान में रख लीजिए, एससीएफ एंड एलसीएम, एससीएफ इनटू एलसीएम व्हिच इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। अब इफ वन ऑफ द नंबर इज 77, मतलब आपके पास सपोज लीजिए एक नंबर आपके पास 77 दिया है, फर्स्ट नंबर समझिए 77 दिया और आपको निकालना है सेकंड नंबर, और एससीएफ ऑफ टू नंबर इज 11 दिया है, आपको एससीएफ दिया है 11 और उन्हीं का एलसीएम दिया है आपको 693। होप दिस क्लियर। तो फाइनली आंसर क्या होगा, सेकेंड नंबर विच इज इक्वल टू 11 इंटू 693 डिवाइड होगा 77, 11 7 जा यस, तो 7 9 जा 63, अगेन 7 9 जा 99 इज योर आंसर। राइट डाउन दिस क्लियर। तो आपको ये वाला फॉर्मूला ऐसे केस में, ये वाला फॉर्मूला आपको और एक फॉर्मूला मिल गया, एफसीएफ इनटू एलसीएम डिवाइड एफसीएफ इनटू एलसीएम व्हिच इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर।
चलो क्लियर दिस, इज दिस क्लियर एवरीवन? सिंपल था, खाली फॉर्मूला था, बाकी कुछ करना नहीं था इसमें. सिक्स वाला देखो, वेरी सिक्स वाला भी काफी अच्छा क्वेश्चन है. अब स्टूडेंट्स नंबर काफी बड़े हैं, देखो 513, 1134 एंड 1215, इन तीनों नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है. तो ऑब्वियसली ये सारे नंबर्स डिविजिबल है, सारे नंबर से फैक्टर्स निकलेगा, तो यू कैनॉट राइट वन बिकॉज ये कोई सारे नंबर प्राइम नंबर नहीं, और ऑप्शन में देखो वन कहीं पर भी नहीं, और आपको इसका एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालना है. एचसीएफ मतलब तीनों में जो कॉमन होना चाहिए. तो देखो इसमें आप क्या करना है, लेट अस ट्रिक दिखा देता हूं. इसमें पहले जो बड़ा नंबर है 1215, उसको उससे छोटे नंबर से डिवाइड करना है. बस ये टेक्निक देख लीजिए, 1215 को हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 1134 से. ये क्लियर हो गया आप लोगों को? तो देखो 1134 आएगा, तो यहां पर 1134 हो गया, वन आ गया, मैं वन ही यहां पर लिख देता हूं. तो ये मिला मुझे स्टूडेंट्स 81. अब 81 तो डिवाइड कब तक कर देते, जीरो नहीं मिलेगा, तो ये वाला नंबर यहां पर लिख लीजिए 11, जो पिछले इसमें हमने किया था राइट. तो 81 वन जा 81, आया तो ये आ गया 2, 3 और ये 4 हो गया. अब फिर से ये 81 324 है, डिवाइड नहीं होगा. यस 81 ओके. अगर आगे आप करोगे तो देखो अब ये 81 तो डिवाइड हो ही रहा है ना स्टूडेंट्स. 81 इंटू 4 करो, 4 1 4 8 4 32, यस 324. तो यहां पर 4 लिख दो, तो ये हो गया 324. मतलब यहां पर स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या आया है, एचसीएफ ऑफ 1134 एंड 1215 का कितना आया स्टूडेंट्स, 81. ये आया 81. इज दिस, ये सबको क्लियर हो गया? अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो 81 और बचा हुआ नंबर 513 उसको निकालना है. तो कैसे करोगे, सेम 513 डिवाइड बाय 81 करो. यहां पर 81 6 जा 486 होगा, तो यह आया 27. तो 27 इससे छोटा है, तो 81 को यहां पर ले लो. तो 27 3 जा शायद 81 होगा, देखो यह आया 00. तो यहां पर क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, 27 ऑप्शन नंबर है. राइट डाउन दिस. क्लियर हो गया एवरीवन दिस? यस. तो दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस. इसमें खाली आपको जीरो तक ला रहा है, और जिस नंबर जिस जिससे डिवाइड करने के बाद जीरो मिलता है वो आपका होगा एचसीएफ. यहाँ पर देखो हमने 81 से डिवाइड किया तो मुझे, यहाँ पर हमने 27 से किया तो मुझे जीरो मिला है. क्लियर दिस? नेक्स्ट देख लीजिए.
ये वाला ट्राई रिड्यूस टू रिड्यूस 391 अपॉन 667 टू लोवेस्ट टर्म. क्या होगा लोवेस्ट टर्म डिवाइड करो. वॉट क्या हो सकता है आंसर 667 391 देखो सो 391 लेट्स सी वॉट इज स्टूडेंट इसका एक काम कर दो स्टूडेंट्स लेट अस सी. देखो सबसे बेस्ट काम हम लोग ये करेंगे. मैं आपको और एक दिखा रहता हूँ मेथड. इसमें आपको फैक्टर सारे दिए हैं राइट. चलो हम लोग ऐसा करते हैं. देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन टर्म देखते कौन है. तो एक यहाँ पर 391 लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 667. पहले देखते हैं कि ये जो नीचे जो नंबर दिया है 23, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 29 है और यहाँ पर 21 है. पहले मैं 391 को सपोज मैं अगर 23 से डिवाइड करता हूँ, लेट अस सी 391 डिवाइड 23 तो आपको मिलेगा 17. मतलब 23 से अगर आपने इसको डिवाइड किया तो आपको आंसर आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड 23 इज कॉमन है. मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 391 राइट. सेम मैं 23 से डिवाइड करता हूँ 667 को तो ये आपको मिलेगा 29. मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 667. ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यस. मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया देख लीजिए कि एस सी एफ ऑफ 391 एंड 667 का क्या है, दोनों में कॉमन कौन है स्टूडेंट्स. देखो 391 का फैक्टर्स क्या मिला नाउ, 391 का फैक्टर्स मुझे मिला है 17 इंटू 23 यस और नो, और 667 का फैक्टर्स मुझे क्या मिला स्टूडेंट्स 29 इंटू 23 मिला. तो देखो ये दोनों चीजें दोनों में कॉमन है, जिसको हम लोग एक बार लिखेंगे तो उसका एस सी एफ क्या हो गया 23 हो गया. तो इनके जो फैक्टर्स मिले देखो 17 और 29 ये उसका आंसर हो गया. यही तक तो रिड्यूस होगा. इनका आपको लोएस्ट टर्म इसका ये होगा. अगर लोएस्ट टर्म मतलब क्या होगा देखो 391 का फैक्टर हो गया 17 इंटू 23 और इसका फैक्टर्स होगा 29 इंटू 23. इसको स्प्लिट किया 23 कैंसिल हो गया तो बचा क्या 17 डिवाइड 29. क्लियर एवरीवन दिस.
यस क्वेश्चन नंबर एट करो स्टूडेंट. एट का मुझे बोलो क्या होगा. फास्ट फाइंड द एलसीएम. एट और नाइन दोनों करो स्टूडेंट्स. फाइंड द एलसीएम ऑफ 16 24 36 54 और 72 108 100. What is LCM? 16, 24, 36, 54 का LCM क्या होगा? ओके बागेश्री कह रही है एट का इट इज 432. ये वेरी गुड. सी अब इसका क्या होगा. यस 16 24 36 एंड 54. यस वेरी गुड. इफ यू डिवाइड बाय 4 4 से करोगे. चलो पहले 2 से देखते हैं. 2 से 8 होगा 12 होगा 18 होगा एंड 27 होगा राइट. अब आगे ये डिवाइड शायद नहीं होगा तो इसका 2 होगा एचसीएफ. ये सबको क्लियर हो गया. हमें लिखते हैं कि हमें निकालना है एलसीएम. तो एलसीएम कैसे निकालोगे. अगेन इफ यू डिवाइड बाय 2 2 4 जा 2 6 जा 2 9 जा ये 27 ऐसे ही रहेगा. अगर आपको फिर से इसको 2 से करना है 2 2 जा 2 3 जा 2 9 27 हो गया. अब इसको आप 3 से करो 3 3 9 जा हो गया. अगेन 3 से करना है 3 ये 2 1 3 1 जा 3 3 जा. अगर आप इस सबका मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 ऐसा करोगे तो देखो 1 2 3 4 2 रेस टू 4 1 3 रेस टू 3 होगा राइट एवरीवन. ये आपका हो जाएगा 432. राइट डाउन दिस. 2 रेस टू 4 कितना होगा स्टूडेंट्स. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 हो जाएगा इंटू 27 432. राइट डाउन. और इस इनी का एचसीएफ क्या होगा अगर पूछा तो.
यस नाइन का कैसे करोगे देखो, अब देखो ऐसे वाले केस में स्टूडेंट देखो क्या करना है। अब देखो 72 है तो 72 को आप कैसे लिख सकते हो, 72 कैन बी रिटन एज 9 8 राइट। तो 9 8 मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, 2 रेस्ट टू 3, सॉरी ये होगा 3 रेस्ट टू 2 और ये हो जाएगा 2 रेस्ट टू 3। क्लियर हो गया एवरीवन? इफ आई वॉन्ट टू राइट 108, मैं कैसे लिखूंगा 108 को, 27 × 4 आई कैन राइट। 27 मतलब क्या होगा, 3 रेस्ट टू 3 और ये होगा 2 रेस्ट टू 2। और 2100 को मैं ऐसे कर सकता हूं ना, देखो मैंने क्या किया, 21 × 100 मतलब ये हो गया 3 × 7 हो गया। और 100 को मैं फिर से कैसे लिख सकता हूँ, 24 × 25, देखो मैं सिंपल वे कर रहा हूं। सो व्हाट आई कैन राइट नाउ स्टूडेंट्स, 3 × 7 2 रेस टू 2 × 5 रेस टू 2, इज दिस क्लियर? अब हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते समय क्या करना है स्टूडेंट, जिसका पावर बड़ा रहेगा, अगर कॉमन है और उसका पावर बड़ा है उसको पहले लेना है। तो आप ये देख लीजिए, यहां पर 2 रेस टू 3 है, यहाँ पर 2 रेस टू 2 है और यहाँ पर भी 2 रेस टू 2 है। तो मैं किसको लूंगा स्टूडेंट, जिसका पावर बड़ा है, किसका पावर बड़ा है, 2 रेस टू 3। तो इसको पकड़ो एक बार, इनटू, होप दिस क्लियर मैं क्या कर रहा हूं। देन 3 वाला देखो, यहाँ पर 3 रेस टू 2 है, यहाँ पर 3 रेस टू 1 है और यहाँ पर 3 रेस टू 3 है। तो मैं किसको लूंगा, जिसका पावर बड़ा है, 3 रेस टू 3 को, इनटू, होप दिस क्लियर एवरीवन। अब जो कॉमन नहीं है उनको तो लेना ही है, 5 रेस टू 2 और ये 7। यस, ये आपका हो गया एलसीएम विच इज नथिंग बट 37,800। राइट डाउन दिस, होप दिस क्लियर एवरीवन। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, फैक्टर्स निकाल के भी कर सकते हो, एलसीएम निकलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, जो कॉमन है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, जिसका पावर बड़ा है वो आपका एलसीएम, वो नंबर आपको लेना है। जैसे 2 2 2 तीनों में कॉमन था लेकिन 2 रेस टू 3 सबसे बड़ा है तो उसको मैंने एक बार ले लिया। होप दिस क्लियर एवरीवन। क्लियर एवरीवन दिस? यस और नो? यस, ग्रेट। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। सेम क्वेश्चन जो पहले हमने किया था, यहां पहले में 2 नंबर था, यहां पर 4 नंबर। देखो फाइंड द लिस्ट नंबर निकालना है विच वेन डिवाइडेड बाय 20 25 30 40, आपको रिमाइंडर देगा 14 19 29 एंड 34। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हियर देखो पहले नंबर में से एलसीएम माइनस कर दो, जो रिमाइंडर माइनस कर दो। तो 20 में से गया 14, ये 20 में से ये पहला नंबर गया, 25 में से 19, 29 सॉरी 35 में से 29 एंड 40 में से 34। ये क्लियर हो गया? तो नंबर में से हमने क्या किया स्टूडेंट, नंबर में से हमने रिमाइंडर माइनस कर दिया। तो यहां पर 6 मिला, यहां पर भी 6 मिला, यहां पर भी 6 मिला और यहां पर भी 6 मिला। यस और नो? इट मीन स्टूडेंट्स क्या हो गया कि ये जो 6 नंबर है
वो एक्चुअली नंबर में ज्यादा है, ओके okay. तो वो हमें माइनस करना होगा, लेकिन पहले हमें ये फाइंड करना है कि वो नंबर कौन सा है. तो रिक्वायर्ड नंबर स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो रिक्वायर्ड नंबर विच इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 20, 25, 35 एंड 40 और उसमें से माइनस 6, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा. राइट डाउन दिस. तो आप मुझे एलसीएम निकाल के बताइए क्या होगा. अगर आप एलसीएम आप निकाल सकते हो तो 20, 25, 35 एंड 40 का एलसीएम पहले निकालो. क्या हो सकता है, 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 5, 5 जा 5, 7 जा 5, 8 जा, क्लियर. अब 4 से करो, 4 1 जा 5, 7 4, 2 जा, बस. अब शायद अगेन आई डोंट थिंक सो रिक्वायर्ड है करने की. तो एलसीएम होगा 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2. 5 4 जा 20, 35 इंटू 70 मतलब 20 इंटू 70 स्टूडेंट्स कितना हो गया, 1400. तो यहां पर भर दो रिक्वायर्ड नंबर 1400 माइनस 6 कितना आया, 1394. यस राइट नाउ क्लियर एवरीवन दिस. क्लियर हो गया आपको एलसीएम एंड एचसीएफ स्टूडेंट्स. एक मार्क, एक या दो मार्क के लिए टॉपिक आता है, ओके okay. तो मैं आप लोगों को क्या करूंगा, सी होप दिस क्लियर. चलो सो लेट मी टेल यू, देखो व्हाट वी हैव कवर्ड अभी तक, ये आप लोगों ने लिख लिया स्टूडेंट. Yes. तो what I will let me tell, मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं जो स्पेशली अनकॉमन है, जो बैंकिंग में नहीं आते हैं लेकिन एसएससी के लिए रहेंगे, तो मैं टॉपिक्स आपको यहाँ पर लिख के दे देता हूँ और ये शीट भी मैं आपको दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए. ओके एज ऑफ नाउ व्हाट वी हैव डन स्टूडेंट, पहले वो देख लेते हैं. हमने कवर किया नंबर सिस्टम, देन हमने कवर किया अलजेब्रा, हमने कवर किया सर्ट्स एंड इंडाइसेस, देन हमने कवर किया सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद हमने यहां पर लिया ट्रिग्नोमेट्री, देन हमने देखा ज्योमेट्री, देन हमने देखा एरिया एंड वॉल्यूम, एंड हमने फाइनली अभी देखा एलसीएम एंड एचसीएम. ये सारे टॉपिक्स अपने कवर्ड हो गए जो हमने कहे थे, प्लस हमने इसका आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दिया है यूट्यूब चैनल पे. और अगर आपका समझो रिकॉर्डिंग मिस होता है, डू नॉट वरी, ये सारे चैनल्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए है, ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे, तो कभी भी जाके इसको देख सकते हो. अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया रहेगा तो. यूट्यूब पे ये सारे अवेलेबल है और सारे लिंक्स भी मैंने आपको अपने ग्रुप पे प्रोवाइड किए, खाली ये वाला आज का पेंडिंग है, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, आज ही मिल जाएगा आपको. ओके व्हाट आई विल ट्राई टू सी, इफ आई गेट, अगर मुझे मिलता है इफ आई गेट क्वेश्चंस ऑफ ईच टॉपिक फॉर व्हाट प्रैक्टिस, तो एज एन असाइनमेंट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू. क्लियर एवरीवन, ताकि आप विद सॉल्यूशन रहेगा तो मैं आपको इसका प्रोवाइड कर देता हूं एज एन असाइनमेंट, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. क्लियर दिस. यस ओके, तो मैं आपको यही कहूंगा कि जितना पॉसिबल रहेगा उतना इसका रिवाइज कीजिए, जितना पॉसिबल रहेगा उसका रिवाइज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व एज मच एज यू कैन. जितना प्रैक्टिस कर पाओगे इन सारे क्वेश्चन पे उतना आपको करना बहुत नेसेसरी है स्टूडेंट, देन ओनली आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी. देखो टॉपिक्स हमने जितने भी पढ़े